चिकन शवरमा वाला। बादामपुरी नाम के गांव में युगंधर नाम का एक आदमी रहता था। वो बिना कोई काम काज किए तीनों समय उसकी पत्नी सोनम जो खाना देती थी उसे खाकर सो जाता था। एक दिन सोनम, अब मुझसे और नहीं होगा जी, शादी होकर अब तक 4 साल हो गए, इतने समय मैंने राह देखी कि आप कोई ना कोई नौकरी या व्यापार शुरू कर दोगे। आपको पालने के लिए घर वालों के दिए सारे जेवरात बेच चुकी हूँ। आखिर आप जिंदगी में क्या करने की सोच रहे हैं? बिना कोई काम के जिंदगी कैसे गुजारने की सोच रहे हैं? यही पर तुमने मुझे गलत समझा रही। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, यूँ सोचती हो ना, मैं करता हूँ ना, मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ। दिन में बस 12 घंटे सोकर अपने दिमाग को तेज कर रहा हूँ। जल्द ही मैं एक अद्भुत अच्छा व्यापार शुरू करूँगा, तुम देखती जाओ। कैसे शुरू करोगे व्यापार? इतना खा चुके हो कि निवेश के लिए भी कुछ बचा नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, तुम कुछ नहीं करोगे, यूँ मुझे समझ आ गया है। मैं अपने मायके जा रही हूँ बस। युगंधर घबरा कर, अरे तुम रुको, पहले पूरी बात तो सुनो। बिना कोई निवेश के पैसों के ही मैं व्यापार करूंगा, वो 4 दिनों में शुरू करूंगा ना। तुम शांत रहो, मैं उसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कहकर जल्दी जल्दी बाहर आ गया। युगंधर घर के बाहर खड़े होकर, बापरे, घर पे मेरे खेल और नहीं चलेंगे, उसे कुछ ना कुछ कहकर अभी के लिए तो बच गया, अब निवेश के पैसों के बगैर कैसे व्यापार करूं मैं, यूं सोच रहा था। इतने में पड़ोसी शिंदे दीवार के उस तरफ से, अरे युगंधर जी, आकर मिठाई लीजिए ना। युगंधर दीवार के पास जाकर मिठाई लिया। क्या स्पेशल है जी? मैं कल से हमारे घर पर ही मुर्गियों का व्यापार करने वाला हूँ जी। मेरे साले के गांव में मुर्गियाँ बहुत कम दाम पर ही मिलती हैं। मैं उन्हें लाकर आसपास के गांव में चिकन शॉप में सप्लाई करने वाला हूँ। आँखों के सामने ही अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं जी। तुरंत युगंधर को एक उपाय सूझा। वाह, क्या खुशी की बात है, हमारे पड़ोसी अगर खुश रहे तो हम भी खुश होते हैं ना जी। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। ये कहावत तो मैंने कभी नहीं सुना है। तुरंत युगंधर एक लॉस हो रही शवरमा शॉप लीज पर लिया। अगले दिन शिंदे मुर्गियों का लोड लाकर अपने कंपाउंड में रखवाया। उस दिन रात को युगंधर दीवार से छलान लगाकर शिंदे के घर गया, 4 मुर्गियों को चुरा लिया। अगले दिन अपना शवरमा शॉप ओपन किया, शिंदे से रिबन कटिंग करवाया। सोनम बहुत खुश हुई। युगंधर ऐसे शवरमा बनाने लगा। बड़े से चाकू से शवरमा के टुकड़े करके उसमें वेजिटेबल्स के टुकड़े डालकर लोगों को शवरमा देने लगा। युगंधर ऐसे रात तक अपना बनाया सारा शवरमा बेच दिया। हाथ में पैसे देखकर, आहा, दुकान का किराया निकालकर 2000 लाभ मिला है, ओम नमो शिंदे ये नमः, यूं सोचा। उस दिन से रोज रात को युगंधर शिंदे की मुर्गियां चुराने लगा। सुबह ही शिंदे सोच में रह जाता कि आखिर मुर्गियां गई कहां। युगंधर उन मुर्गियों से शवरमा बनाता था, लोगों को खुशी से बेचता था। कुछ दिनों के बाद शिंदे लोगों को बाकी होने लगा। तब तक युगंधर ने अच्छे पैसे कमा लिए तो सारे मुर्गियों को वो अपने दुकान पर ही सप्लाई करवाने लगा। एक दिन शिंदे और उसकी पत्नी सोनम मिलकर युगंधर के शवरमा सेंटर पर आए। शिंदे परेशान था। ओजी, कोई मुर्गी चोर कहीं का भैया के सारे मुर्गियां चुरा कर ले गया, बेचारे ये बर्बाद हो गए और घर पर रोते हुए बैठे थे, आप जरा हिम्मत दोगे इसीलिए यहाँ लेकर आई हूँ। शिंदे जी, पहले आप ये शवरमा खाइए, कहते हुए उसे एक शवरमा दिया। शिंदे वो शवरमा खाती। देखिए शिंदे जी, मुर्गियाँ पक्षी है ना, उन्हें चोर को चुराने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप उड़कर चली जा सकती हैं। इसलिए मुर्गियों को लेकर वैसे व्यापार नहीं करना चाहिए। मुझे देखिए कितना होशियार बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे देखकर सीखिए, आगे बढ़ोगे। हाँ, बस करिए, अब सब इतने होशियार कहाँ आपकी तरह। इतने में कांस्टेबल वहाँ आया, उसके हाथ में एक लैपटॉप था। क्यों भाई पांडे, यहाँ कैसे?
आप जिस गली में रहते हैं हम कभी वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, घर के पास ही है ना, इसलिए हम इन पर ज्यादा गौर नहीं करते। आज ओल्ड फुटेज डिलीट करने के लिए देख रहा था तो कुछ शॉकिंग सीन्स दिखाई दिए, वो आपको दिखाने के लिए आपको ढूंढते हुए आया। इस तरह पांडे उन तीनों को लैपटॉप में फुटेज दिखाया, उसमें युगंधर शिंदे के घर से मुर्गियों को चुराने वाली वीडियो थी। क्या है उसमें, मुझे भी दिखाइए। शिंदे और उसकी पत्नी सोनम बहुत गुस्सा हो गए, तीनों मिलकर युगंधर को खूब मारे। बाप रे बाप, मुझे छोड़ दीजिए, क्यों चिल्ला रहा था। फिर भी वे अच्छे से उसकी धुलाई किए। अगले दिन शिंदे शवरमा बनाने लगा और युगंधर प्लेट धोने लगा।